यार पहले मैं इस देश का सिटीजन हूँ, बाद में एक्टर बना था। जब मैं पैदा हुआ था इसी देश में पैदा हुआ था, सिटीजनशिप मुझे मेरे बर्थ से मिली है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ज़ीशान अय्यूब बॉलीवुड एक्टर, आपको मुंबई से दिल्ली आना पड़ा, क्यों आए आप? मैं इसीलिए आया क्योंकि मैं डिसएग्री करता हूँ इस आइडिया जो है सोशल फैब्रिक चेंज करने का इंडिया का। ज़ीशान, आपको सीएबी में सबसे ज्यादा खराब बात क्या लगी? जो सबसे बड़ी खराब बात है जो सबके सामने है, जब आप किसी एक धर्म का नाम लिख के एक्सेप्ट कर देते हैं, आपको लगता है कि अच्छा अब धर्म के हिसाब से सिटीजनशिप लोगों को मिला करेगी, लोगों को अलग किया जाएगा। तो जो एक सेक्युलर नोशन, अब तो नोशन ही लगने लगा है, तो जो एक सेक्युलर फैब्रिक हुआ करता था इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। जैसे अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जामिया का एक लड़का कह रहा था कि मैं प्रोटेस्ट कर भी नहीं रहा था, मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था और मेरी पिटाई होने लगी। तो वो लोग भी बॉलीवुड में जो अभी चुप हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि हम सेफ हैं या हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? यही तो सब थोड़ी दिक्कत होती है ना, यही बात इतने सालों से हम अपने आर्ट के थ्रू कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो सेफ हूँ, ये सामने वाले के साथ कुछ हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई अग्रेसिव है जिसका काम ये है कि सामने एक विलन बनाओ और फिर उस पर अटैक करो, वो कभी ना कभी आपके ऊपर भी आएगा। अब फिल्म इंडस्ट्री क्या बची हुई है, उनको ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आप डरे हुए हैं काफ़ी लोग, तो क्योंकि कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी, उनके ऊपर हमला हुआ और वो एकदम उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बात यह है कि आप भी सेफ हैं नहीं। एक बात और मुझे जाननी थी, क्या आवाज़ उठाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि बॉलीवुड में कोई आपको फिल्म ना मिले या कुछ इस तरह की चीज़ हो, क्या ये कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है आवाज़ उठाने का? मुझे पता नहीं इसी वजह से है या वजह कुछ और है, पर सुशांत सिंह जो एक्टर हैं, सावधान इंडिया जो करते हैं, तो उनका सावधान इंडिया के साथ वो ख़त्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, और वो काफ़ी एक्टिवली पिछले 3-4 दिन से इस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत वोकल थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद यही है, क्योंकि तो किसी ने डाला भी था कि पर आपने फाइट करी थी इस वजह से हुआ क्या, तो उनका वो भी था कि बट वेरी स्मॉल प्राइस टू पे, जो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, और उनकी रिस्पेक्ट जो है मेरी नज़रों में और ज़्यादा ऊंची हो गई है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स को डेमोनाइज किया जा रहा है? एक रूप को दिखाना, मतलब जो अभी भी स्टेटमेंट आई ना कि उनके कपड़े देख के पता लगेगा, कपड़े से कैसे पता लगेगा? जैसे मुझे कई बार लोग बोल देते हैं कि यार आपको देख के लगता नहीं आप मुसलमान हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज ऐसी क्रिएट हुई हुई है कि मुसलमान पता नहीं कैसा दिखता होगा, मुसलमान सिर्फ ऐसा होता होगा, पता नहीं शायद दांत भी बड़े होते होंगे, सींग भी होता होगा। किसी भी मुसलमान आदमी अगर कोई कुछ बोलेगा, अगर मैं भी कुछ बोलता हूँ, या जावेद साहब के साथ मैंने बहुत देखा है, शबाना जी के साथ देखा है, तो जिहादी नाम क्यों लगता है? तो ये बार बार बोलना कि अरे ये टेररिस्ट होते हैं, ये लोग गज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं और क्या क्या, मतलब सारी बेवकूफ़ी की बातें, तो मतलब मैं तो वही बोलूँगा भाई, हमसे ज़्यादा तो आपको प्यार है इन सारी बातों से, मुझे हो सकता है इससे कोई मतलब भी ना हो। अब तो ये एक एक्ट बन गया है, तो अगर इसके बाद भी सरकार इसे रोल बैक नहीं करती है या इसे वापस नहीं लेती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आप क्या चाहेंगे लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट करें? आई होप एंड आई थिंक कि तब तक सब लोग लड़ाई जारी रखेंगे, और ये करवाना ज़रूरी है, वरना ये देश जो है वो गर्त की तरफ जाएगा। और इस देश से मैं इससे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने काम से ज़्यादा मैं इस देश से प्यार करता हूँ। रिलीजन पर चलने वाला कोई भी देश आज तक तरक्की नहीं करा है पूरी दुनिया में, तो हमारा देश जहाँ इस रास्ते पर गया वहाँ पे आपका कहना है कि देश को सेकुलर ही रहना चाहिए, इसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए? कोई धर्म नहीं होना चाहिए, किसी देश का कोई धर्म नहीं हो सकता। और अगर आप देश को एक धर्म देंगे तो आप डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे, आप ख़राब होंगे, क्योंकि सारे धर्म जो हैं वो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं दुनिया में। तो ये मैं होने नहीं दूंगा, मुझे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है।